सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सरफेस टेक के और एक इंटरेस्टेड वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आपके मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती है वो आपको आपके कंप्यूटर के अंदर कैसे यूज़ करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, गूगल पे जाना रहेगा और वहाँ पर हमको सर्च करना है ब्लूस्टेक। ये ब्लूस्टेक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एक एंड्रॉयड एमुलेटर है, जो कि जिसका हम यूज़ करके हमारे कंप्यूटर के अंदर हम सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है, और इससे पहले मैं आपको इसके जो पीसी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ब्लूस्टेक के जो पीसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो बता रहा है विंडोज 7 और उससे ऊपर वाला, और साथ में इंटेल या एएमडी का प्रोसेसर चलेगा, और आपको जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम वो 2 GB की चलेगी, और साथ में हार्ड डिस्क के अंदर 5 GB का स्टोरेज मतलब स्पेस होनी चाहिए। और साथ में अगर रिकमेंड की बात करें तो विंडोज 10 होना चाहिए और प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मल्टी कोर वाला होना चाहिए, और साथ में 8 GB की रैम चाहिए, और HDD मतलब हार्ड ड्राइव हो या तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, दोनों में से कोई भी चलेगी, और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम इससे ऐसा मान सकते हैं कि अगर नॉर्मल लो एंड कंप्यूटर भी होगा तो भी उसके अंदर यह एप्लीकेशन काम करेगी, लेकिन शायद थोड़ा स्लो कर सकती है। तो हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो हम जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड ब्लूस्टेक में। जैसे हम क्लिक करेंगे तो 1 MB से थोड़ा सा छोटा एक सॉफ्टवेयर है वो हमको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने डाउनलोड कर देता हूँ। अभी इसको ओपन करना है, मैं गूगल को कर देता हूँ क्लोज। तो पॉपअप आया ब्लूस्टेक इंस्टॉलर, यस। अब यहाँ पर राइट साइड कस्टमाइजेशन है इंस्टॉलेशन, कि आपको कहाँ पर सेव करना है, ऐसा कुछ हो तो वो रख सकते हो, और साथ में एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस वो ज़रूरी रहता है, और अगर आपको ईमेल के थ्रू ब्लूस्टेक की तरह से नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप चेकबुक कर सकते हो। तो मैं सिंपली कर रहा हूँ इंस्टॉल नाउ, और यहाँ पर अभी ब्लूस्टेक 4 अभी की जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, जिसकी साइज़ है 516 MB। इसके डाउनलोड की स्पीड आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, जैसे मेरा 100 MBPS है तो उस स्पीड से ये काम कर रहा है। और इसके बाद जो इंस्टॉल होगा वो भी आपका जो हार्डवेयर है वो कैसा है, अगर हाई एंड PC होगा तो थोड़ा जल्दी होगा, लो एंड होगा तो थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और ब्लूस्टेक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक चालू हो रही है, फर्स्ट बूट हो रहा है, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर हमारे पास दो शॉर्टकट्स आ चुके हैं, हमारा डायरेक्ट यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट बूट में टेक 2 to 3 minutes, मतलब फर्स्ट टाइम ही चालू होगा तो हमको 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। कर लेते हैं वेट। तो इंस्टॉलेशन के बाद, एप्लीकेशन चालू होने के बाद हमको गूगल प्ले की तरफ से एक पॉपअप आया है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, गेम्स मूवीज इन सभी के लिए आप साइन इन कीजिए। तो सिंपल यहाँ पर मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं जो मोबाइल में यूज़ करता हूँ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड गूगल की, वो यहाँ पर मैं डाल के इसको साइन इन कर लेता हूँ। सो गाइस, साइन इन होने के बाद गूगल प्ले यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले मैं स्क्रीन साइज को बढ़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हम गूगल प्ले देख सकते हैं, इसमें हम कंटिन्यू बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको होम दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ सजेशन आएंगे कि आप यहाँ से ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो मैं लाइब्रेरी में जाकर दिखा सकता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे मोबाइल की तरह ही है। यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन हम गूगल प्ले से इंस्टॉल करते जाएंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी। और ब्लूस्टेक के अंदर यहाँ पर राइट साइड काफ़ी सारे ऑप्शंस है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग्स है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग्स है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कवर करने वाला। इसकी जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है और सेटिंग है वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं उसकी सेटिंग के बारे में। तो हम कंटिन्यू करते हैं गूगल प्ले से, तो देखते हैं फाइनली कौन सी गेम या एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। यहाँ पर पबजी भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अपने काम करते हैं, YouTube देखते हैं। यहाँ पर मैं YouTube को कर रहा हूँ इंस्टॉल। ये डायरेक्टली जैसे कि हम मोबाइल के अंदर
गूगल प्ले के थ्रू डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी वे में ये काम करता है। और ऊपर से आप नोटिफिकेशन को भी नीचे ला सकते हो, जैसे कि हम हमारे मोबाइल के अंदर लाते हैं। और जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर हमको ये पूरा का पूरा यूज़र इंटरफेस मिलता है, वैसे यहाँ पर भी हमको मिलेगा, जैसे कि एप्लीकेशन, स्टोरेज, ये सब आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जाओगे तो आपके सिस्टम के अंदर ब्लूस्टैक ने टोटल 1.99 जीबी डेटा ले लिया है। तो ओवरऑल इतना आपको चाहिए रहेगा। यहाँ पर अपना यूट्यूब इंस्टॉल हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गई। तो ये हमारा यूट्यूब मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर अपने जाते हैं, अपना चैनल सर्च करते हैं। सो गाइस यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कम्प्लीटली काम कर रहा है। तो अगर अपने चैनल पे पहुँच चुके हैं तो यहाँ पर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए, मेरा चैनल पसंद आए, तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने लूडो किंग है उसको ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो गूगल के अंदर यहाँ पर हमको ऑप्शन आ चुका है इंस्टॉल का, तो इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस मेरे यहाँ पर 100 Mbps का इंटरनेट है, फिर भी ये डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो ये ब्लूस्टैक की इश्यू है, आप ऐसा मत समझिएगा कि आपका सिस्टम लो है, कुछ कीजिए मत, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, डाउनलोड हो जाएगा। बस एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओपन। तो यहाँ पर राइट साइड खुल गई है, सेम हमारे मोबाइल के अंदर जैसे कि एप्लीकेशन खुलती है वैसे ही खुल रहा है। और मैं आपको मिनिमाइज़ करके बता दूँ तो यहाँ पर हमको डेस्कटॉप के अंदर भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डायरेक्टली यहाँ से भी प्ले कर पाओगे, क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ब्लूस्टैक खुलेगा और यहाँ से आप खेल पाओगे। सो गाइस इसी तरह हम अपने मोबाइल के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते हैं, सेम हम इस कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसी तरह आपको जो भी चीज़ चाहिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो और पूरा का पूरा मोबाइल का इंजॉयमेंट यहां पे ले सकते हो। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी सेटिंग समझाऊंगा और उसके आगे वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर पबजी डाउनलोड करके आपको खेल के बताऊंगा कि आफ्टर ऑल ये काम कैसे करता है। सो इन सभी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस टिल देन, बाय बाय।